तो कैसे आई हो आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक दुख भरी कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरे सुन के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है और मैं आपको बता दूँ कि डीजे एफसी का एक्सीडेंट हो चुका है और ये बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोग घायल भी हो चुके हैं और कुछ एक लोग मतलब मर भी चुके हैं। तो मैं आपको बस ये बता दूँ सब डीजे वालों को कि कृपया अपने डीजे को बहुत ही सावधानी से ले जाएँ और डीजे ज़्यादा ऊँचाई पर ना ले जाएँ और डीजे कैंटर में हो, ट्रोले से बाहर ना हो। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये लोग रात एक बजे से मेट्रिक चले थे और मौजनगर से भी कुछ लोग इसमें शामिल थे और सुबह 4 बजे एक ट्रक ने इन्हें पीछे से टक्कर मारी जिससे इनका ट्रोला पलट गया और कुछ सामान टूट गया और कुछ और लोगों से बहुत सी चोट लगी। तो आप लोग थोड़ी सी वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। सभी भाइयों को राम राम। मैं अनुज खतौली। आज सुबह सुबह भैया एक बहुत ही ज़्यादा दुखद हादसा हो गया है। डीजे हैप्पी साउंड मेरठ और डीजे कपिल भाई मोदी नगर वालों के साथ ये हादसा खतौली से मुजफ्फरनगर रोड पे देवराना होटल पड़ता है। आज सुबह एक तेज रफ्तार में ट्रक वाले ने उन्हें टक्कर मार दी पीछे से उनके ट्रोले में। तो जो लड़के ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे वे ट्रोले के नीचे आकर 3 भाई की मौत हो चुकी है उसमें और सारे मेडिकल बिगरजपुर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है। एक भाई का पैर टूटा हुआ है और जो मृत घोषित कर दिए गए हैं वो भाई पोस्टमार्टम हाउस में है। तो भैया बहुत ही दुखद घटना है। सुबह 4 बजे की है, देवराना के सामने एक्सीडेंट हुआ है, नावला कोठी बोलते हैं वहाँ पर। ट्रक होटल पे जो ट्रक है एक्सीडेंट वाला घोड़ा है वो होटल पे खड़ा हुआ है और जो ट्रोला है भरा हुआ सामान का वो मंसूरपुर थाने में है। मैं मिल के आया हूँ वहाँ पे जाके, खुद ही मेडिकल में गया था, देख के आया हूँ इमरजेंसी में। और हैप्पी भाई जो है वो भी एडमिट है अभी वहीं पे, कपिल भाई वहीं है, वो ठीक है कपिल भाई। और 3 लड़के एक्सपायर हो चुके हैं।